क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। आवर सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो बशीरबाग रोड हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। असलम नाजिर, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। दिन के पहले गुड़ीमलकापुर पीएस लिमिट्स में 30th अगस्त को एक ऑफेंस हुआ था, तो उसमें दो लोग जो होंडा एक्टिवा बाइक में जैकेट्स और हेलमेट्स पहने थे, उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप से आते हुए मैनेजर के पास जो कैश बैग है उस कैश बैग को चोरी कर लिया था, मतलब खींच के ले गए थे बाइक में, तो तब वो ऑफेंस हुआ था। तो उसी रात थोड़े पुलिस ट्राई करे थे, पूरे सिटी पुलिस, पर नहीं मिले थे वो लोग, जल्दी चले गए, और क्योंकि वो हेलमेट वो सब पहने थे आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। तो स्पेशल टीम्स फॉर्म करके गुड़ीमलकापुर पुलिस और हमारे टास्क फोर्स टीम साउथ वेस्ट टीम स्पेशल टीम्स फॉर्म करके उनके ट्रैक करने लगे। तो सीसी कैमरास ट्रैक करते हमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिला था, उस क्लू से ये आइडेंटिफाई हुआ है कि कौन ये सब कर सकता है, मतलब मेन एक्यूज्ड कौन है बोल के फोन नंबर मिला था। फोन नंबर से उसका पहचान भी हुआ, नाम भी पता चला, उसका घर भी पता चला। तो आज सुबह 8 बजे तो इन्फॉर्मेशन आया था हमें कि ये एक्यूज्ड और उसके साथी उस घर में आए थे, तो इसलिए हमारे गुड़ीमलकापुर पुलिस और टास्क फोर्स टीम दोनों जाके उसको ऑब्जर्व करे थे उस हाउस को। तो अराउंड 8:30-8:45 उसमें से ये मेन हरप्रीत सिंह है जो जिसके नाम पर हमें क्लू मिला था कि ये हो सकता है बोल के, तो वो बाहर आया था। बाहर आने के बाद इमिडिएटली हम लोगों ने उसको पकड़े थे, हमारे टीम्स ने पकड़ने बाद उस पूछताछ करे तो उसने अपना जुर्म कबूल किया था कि ऐसा किया है, और बोला था कि उसके साथ और 4 लोग हैं और वो उसी के घर में है। तो हमने उसको दिखाने के लिए कहा तो हमारे टीम्स ने, तो उसने उसके घर में जाके सभी को दिखाया था, हमारे टीम्स को कौन कौन इन्वॉल्व थे, उन सबको पहचान करने के बाद, सबको पूछने के बाद सभी ने एडमिट किया कि उन्होंने ये किया था ये रॉबरी उस दिन बैग स्नैच करने में। तो इसमें 2 लोग मेन है, ये हरप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह, इन्होंने उस दिन बाइक में जाके वो बैग खींचा था, और 3 लोग इसके पीछे प्रिपरेशन और इसके साजिश में है, कॉन्स्पिरेसी बोल के प्लान करने में पूरे है। तो इसमें एक पर्सन श्रवण नाम का एक एक्सएम्प्लॉय है उस ज्वेलरी शॉप का, वो तिबरमल ज्वेलरी शॉप जिससे ये कैश चोरी हुआ था उसका एक्सएम्प्लॉय है, और इसी ने बताया था कि डेली रात को ऐसे कैश बाहर जाता है ज्वेलरी शॉप के बाहर, और उसको ये आदमी मैनेजर अपने घर लेके परसों सुबह ये बैंक में डिपॉजिट करता बोल के ये इन्फॉर्मेशन श्रवण ने ही बताया था। तो श्रवण बताने के बाद
इन लोगों ने ये प्लान किया था, तो बीच में मार्च में ऐसा बताया 6 महीने पहले, तो बीच में ये मेन एक्यूज हरप्रीत सिंह और उसके भाई गुरजीत सिंह जो अब इस ऑफेंस में भी है, वो एक मर्डर केस में जेल में गए थे, तो इसलिए तकरीबन 3 महीने ये लोग नहीं थे, 84 डेज जेल के अंदर थे। उसके बाद आने के बाद थोड़े दिन के बाद पिछले महीने मतलब अराउंड 2-3 वीक्स बैक ये फिर से प्लान करने लगे, और ये प्लानिंग के प्रकार पूरे शॉप को आइडेंटिफाई किए, श्रवण ने ये शॉप कहाँ पर है वो बताया, और वो मैनेजर कौन है उसको भी दिखाया इन लोगों को। पूरे दिखाने के बाद ये ऑफेंस से पहले 1 हफ्ते से ये लोग रेकी कर रहे थे, पूरा उनके छानबीन कर रहे थे वो है कौन कैसे जाते वो सब पूरे डिटेल्स नोट करे। नोट करने के बाद एक दिन ऑफेंस से 1 दिन पहले भी उनके पीछे गए थे पूरा वॉकअप करने के लिए कैसे जाते रूट कैसे है बोल के। और उस दिन 30 अगस्त को जब ये मैनेजर और एक एम्प्लॉय ये पान शॉप के पास रुके हुए थे, तब इन लोगों ने मौका डाल के वो छीन लिया था बैग। और आज जब हमारे टीम्स जब इनके घर को गए थे तो 50 लाख पूरा चोरी हुआ था, उस 50 लाख से 43,80,000 कैश इनके अंडर से रिकवर कर दिए थे, और बाकी के कैश में से अराउंड 3,50,000 और 70,000 इन्होंने परचेजेस किया था, 3 मोबाइल फोन और एक आईपॉड्स अपने ईयरफोन्स जैसे उनको पर किया था, और 50,000 दूसरे एक्सपेंसेस और बाकी सब के और एक एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने यूज किया था। और ये इन्होंने जब ये ऑफेंस करने थे वक्त उस एम्प्लॉयज को थ्रेटन करने के लिए एक डमी एयर पिस्टल यूज किए थे, और ये पिस्टल भी इसने हरप्रीत सिंह अपने रिश्तेदार से लाया था उसके घर से, उनके घर में ये था, उन्होंने एक उनके हॉबी के लिए वो खरीदा था 3 महीने पहले, और इसने देखकर मैंने क्यों हरप्रीत सिंह उसके घर में देखकर ये उससे मांगा था, पहले उन्होंने मना किया था, तो बिना उसे पता चल के उसने उस घर से चोरी करके इसको यूज किया था। मतलब गन बोले तो क्या है कि वो डमी गन था, तो इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, और व्हीकल चेकिंग हर वक्त जो चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसीलिए उन्होंने ये रेकी किया ना, जहां पर ये नहीं हो रहा है व्हीकल चेकिंग नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तहां पर ये लोग ये ऑफेंस करे थे। ऑफेंस करने के बाद भी व्हीकल चेकिंग करे, लेकिन ये बॉर्डर था तो साइबराबाद लिमिट्स में वो इस लिमिट्स में नारसिंगे के तरफ ये चले गए बॉर्डर, तो ऐसे राइट। हैदराबाद के वाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में, 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मेलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री, फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा हाशिमाबाद, 9000005587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बल्लागुड़ा गौस नगर में है।